हेलो क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर एट होम एंड स्टे एट होम। नाउ वी हैव डन सो मैनी थिंग्स इन इंग्लिश। दिस टाइम इट इज द टर्न ऑफ लिटरेचर एंड इन लिटरेचर इन यूनिट वन यू हैव सेकेंड सेक्शन दैट इज अ पोएम एंड दैट पोएम इज अनदर नोट फ्रॉम मॉम। ओके, this is the poem of a boy whose mother is a service lady, so she always writes some instructions for him what to do and what not to do and paste that on fridge। ek aise ladke ki poem hai jiski mother shayad service karti thi aur uske liye instructions likh deti thi ki aaj tumhe kya karna hai kya nahi karna hai aur fridge pe tag kar deti thi। तो एक दिन जब सुबह ये बच्चा उठता है, बड़ा ही उदास होता है, बिकॉज एवरी टाइम देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ सम एडवाइसेस रिटन ऑन दैट फ्रिज। तो वहाँ वो जाता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस आज उल्टी होती हैं। मदर इंस्ट्रक्ट करती है कि आज आप पिज़्ज़ा खाना और स्प्राइट पीना, फेडेड जीन्स पहन के स्कूल जाना और टीचर को बोलना मुझे साइंस पसंद नहीं है, मैं इसका टेस्ट नहीं दूंगा। बच्चा विश्वास नहीं कर पाता है। अगेन ही रीड्स, बट ही रीड्स वट एवर वॉज रिटन देयर। तो माँ ऐसा क्यों लिखती है, इसके पीछे क्या कारण है और लास्ट में क्या होता है, ये आपको पोएम पढ़ने पे पता लगेगा। बाय। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज अनदर नोट फ्रॉम मॉम and it is written by Diane G. Shore. I sprang from bed and bumped my head and stubbed my little toe, then jammed my finger turning down the blaring radio. I rubbed my bumps and bruise as the weather lady said, "Today's the 1st of April, look for showers overhead." I trudged downstairs to breakfast where my bad luck tagged along. They had tapped up to the fridge another note from mom. "Good morning!" exclamation mark. She always starts out nice. Now comes the part where I get fed by her motherly advice. So what he says in the first four lines, I sprang from bed. मैं बेड से ऊपर उछला जोर से, and bumped my head, और मेरा हेड ऊपर लगा, and stubbed my little toe, और मेरा जो टो है यानी मेरा जो पैर का अंगूठा है वो किसी से टकराया। Stud means टकराना। Then jam my fingers turning down the blaring radio. और फिर मैंने अपने जो जोर से रेडियो बज रहा था, blaring radio, उसको मैंने turning down, थोड़ा कम किया। And after that, I rubbed my bumps and bruises. Bumps means जहाँ उसको सर पे चोट लगी थी और bruise जहाँ उसके अंगूठा लगा था, उसको उसने rub किया। As the weather lady said. और रेडियो पे वेदर लेडी वेदर प्रेडिक्शन दे रही थी, क्या, टुडे इज द 1st of April, लुक फॉर शावर्स ओवरहेड। यानी आज 1st अप्रैल है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत शावर्स हो, यानी थोड़ी रेन हो। तो इन द फर्स्ट फोर लाइन व्हाट वी सेड, आई स्प्रैंग फ्रॉम बेड एंड बम माई हेयर एंड स्टड माई लिटिल टो, देन जैन माई फिंगर्स टर्निंग डाउन द ब्लेरिंग रेडियो, आई रड माई बम्स एंड ब्रूज एज द वेदर लेडी सेड, Today is the 1st of April. Look for showers overhead. Then I trudged downstairs to breakfast. Trudge means धीरे धीरे चलना, आम रूटीन की तरह, और कोई एक्साइटिंग चीज तो होनी नहीं है, चलो भाई अपने आराम से धीरे धीरे चलो। I trudged downstairs to breakfast where my bad luck tagged along. मेरा बैड लक जहाँ पर टैग रहता है, टैग मतलब उसकी मदर जो थी फ्रिज के ऊपर कुछ भी पेस्ट कर देती थी इंस्ट्रक्शंस कि आज आपको क्या क्या करना है। तो ही वॉज फेड अप फ्रॉम द डेली रूटीन, दैट इज वाई ही इज ट्रजिंग डाउन, धीरे धीरे चल रहा है।
I trudged downstairs to breakfast where my bad luck tagged along. They tapped up to the fridge, another note from mom. और फ्रिज पर एक और नोट मॉम ने लिखा हुआ था. गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेशन मार्क शी ऑलवेज स्टार्ट्स आउट नाइस. वो कहता है कि मेरी मदर हमेशा बड़े अच्छे से स्टार्ट करती थी, शुरू में गुड मॉर्निंग लिखती थी. नाउ कम्स द पार्ट वेयर आई गेट फेड हर मदरली एडवाइस. और अब वो हिस्सा आ रहा है जिससे मैं फेड अप हो जाता था, परेशान हो जाता था अपनी मदरली एडवाइस से. रोज की वही, आराम से खाना खाना, ढंग से कपड़े पहनना, स्कूल में जाना, होमवर्क अच्छे से करना. सो ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस विच आर यूजुअली गिवन बाय मदर, ही वाज फेड अप फ्रॉम दोज मदरली एडवाइस. तो व्हाट वी सॉ, व्हाट वी रेड अप टू नाउ, उछला, सर पे चोट लगी, अंगूठा भी उसका टकराया, फिर रेडियो में उसने सुना कि आज हल्की बारिश हो सकती है क्योंकि आज 1 अप्रैल है. फिर वो नीचे आया, फ्रिज पे उसने अपनी मदर का जो नोट था वो पढ़ा. और क्या था नोट पे लिखा हुआ? फॉर ब्रेकफास्ट डियर जस्ट हेल्प योर सेल्फ, देयर इज पिज्जा इन द फ्रिज, एंड एज फॉर योर सोडा चूज द स्प्राइट, द कोक हैज लॉस्ट इट्स फिज. इज दिस अ ड्रीम, आई सेड आउट अलाउड. There must be some mistake. I'd better read that through again. I am only half awake. I scanned the lines not once but twice. Yes, pizza is what it said, and I could swallow that advice. So I read on ahead. Please wear your fitted jeans to school, those low-cut ones that flare, and use that mousses to do that sticky up things with your hair. Let us see first four lines. For breakfast, you just help yourself. There is pizza in the fridge, and as for soda, choose the Sprite. The Coke has lost its fizz. वो हैरान हो गया, क्या लिखा होता टैग पे कि बेटे आज अपना ब्रेकफास्ट खुद ही खाओ, फ्रिज में पिज्जा रखा हुआ है, और जो आप सोडा पीते हो कोक मत पीना, कोक का फिज जो बुलबुले उठते थे वो खत्म हो चुके हैं, इससे अच्छा आप ये है कि स्प्राइट को पिए. ओके, अब वो कहता है इज दिस अ ड्रीम, आई सेड आउट लाउड, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, आई'ड बेटर रीड दैट थ्रू अगेन, आई एम ओनली हाफ अवेक. क्या मैं सपना देख रहा हूं? देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, यार कोई मिस्टेक होनी चाहिए. आई बेटर रीड दैट थ्रू अगेन, मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं. आई एम ओनली हाफ अवेक, हो सकता है मैंने अभी इसको ठीक से पढ़ा ना हो क्योंकि अभी भी अभी मैं उठ के आ रहा हूं. तो ही वॉज जस्ट सरप्राइज, शॉक, ऐसा क्या लिख दिया मैडम ने, मॉम ने. आई स्कैन द लाइन्स नॉट वंस बट ट्वाइस, यस पिज्जा इज व्हाट इट सेड, and I could swallow that advice, so I read on ahead. I scanned the lines, मैंने lines को दोबारा पढ़ा, not once but twice, एक बार नहीं पढ़ा, दो बार पढ़ा. Yes, obviously यही लिखा था, pizza ही लिखा था उसमें. And I could swallow that advice, मैं उस advice को बड़ी मुश्किल से bear कर पाया, बड़ी मुश्किल से understand, भाई बड़ी मुश्किल से realize कर पाया. So I read on ahead, तो इसलिए फिर मैंने आगे भी पढ़ा. आगे क्या लिखा था? Please wear your fitted jeans to school, those low-cut ones that flare, and use my mousses to do that sticky up things with your hair. अब आगे क्या बोला? School जाओ तो अपने वो fitted jeans पहन के जाना, those low-cut ones that flare, जो नीचे से बड़ी चौड़ी हो जाती हैं, यानी उनको bell bottom की टाइप कहते हैं, नीचे से चौड़ी होती हैं, ऊपर से टाइट होती है, फिटेड जींस, जिसको कभी कोई अलाउ नहीं करता, लेकिन मदर ने यहां लिखा हुआ था. और आगे क्या बोला था? एंड यूज माय मोजेस, मोजे मीन जो आप बालों में क्रीम लगाते हैं, उसके लिए कहा गया था कि मेरी क्रीम लगा लेना अपने स्टिकी अप थिंग्स विद योर हेयर, अपने बालों को स्टाइल में बनाने के लिए. क्या कह रही हैं? एक तो स्कूल जाना तो फिटेड जींस पहन के जाना, और मेरा जो है वो जेल लगा लेना जिससे बालों को थोड़ा स्टाइल मिल सके. तो दैट वॉज अमेजिंग थिंग. But he was allowed.
he was allowed to have pizza, he was allowed to have Sprite, okay, and he was allowed to have faded jeans to go to school and use mousses with the hair. It all these things were changed for him. Then next. Is she for real? I asked myself. What's gotten into mom? Whatever it was, I liked it lots, so I continued on. About your science quiz today, the one on natural gas, just tell your teacher that's one subject you don't want to pass. Her rules had changed from lame to lax. My mom was cool at last. These last few days of middle school were going to be a blast. I quickly read the last few lines. Enjoy your day at school and don't believe what you have just read, or you are an April fool. So now, वो आगे कहता है, is she for real? I ask myself, what's gotten into mom? Whatever it was, I liked it lot, so I continued on. सोचने लगा ये सब कुछ मेरे साथ रियल हो रहा है. What's gotten into mom? Mom के साथ क्या हो गया है? फिर कहता है व्हाटएवर इट वाज, छोड़ यार जो भी हो. आई लाइक इट लॉट सो आई कंटिन्यूड ऑन, मुझे अच्छा लगा तो मैं आगे पढ़ने लगा. आगे क्या था, अबाउट योर साइंस क्विज टुडे द वन ऑन नेचुरल गैस, जस्ट टेल योर टीचर्स दैट्स वन सब्जेक्ट यू डोंट वांट टू पास. कहते फिर मदर का इंस्ट्रक्शन थी, और जो तुम्हारी साइंस का क्विज है जिसका टॉपिक नेचुरल गैस है, जाके साफ साफ मैनों को बता देना दैट इज वन सब्जेक्ट यू डोंट वांट टू पास. यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पास नहीं होना चाहते, क्लियरली बता देना, डोंट बॉदर. हर रूल्स हैड चेंज फ्रॉम लेम टू लैक्स. लेम कहते हैं वेरी स्ट्रिक्ट, लैक्स कहते हैं रिलैक्स्ड, लीनियंट. सख्त से बड़े सरल हो गए थे. हर रूल्स हैड चेंज फ्रॉम लेम टू लैक्स. माई मॉम वॉज कूल एट लास्ट. दीज लास्ट फ्यू डेज ऑफ मिडिल स्कूल वर गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. कहता मेरी मदर के जितने भी रूल्स मेरे लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे वो सारे रिलैक्स रूल हो गए थे, बड़े इजी रूल हो गए थे. मेरी मॉम सबसे अच्छी थी. एंड दीज लास्ट फ्यू डेज ऑफ मिडिल स्कूल वर गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. अभी जो मिडिल स्कूल के कुछ और दिन बचे हैं ये तो मैं बड़े मजे से बिताऊंगा. जब इतने सारे मेरे मम्मी ने रूल चेंज कर दिए हैं, मुझे आज़ादी है हर चीज की, तो भैया अब तो मैं अपना जीवन मजे से बिताऊंगा. I quickly read the last few lines. Enjoy your day at school and don't believe what you have just read or you are an April fool. कहते मैंने लास्ट की लाइन जल्दी जल्दी पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, Enjoy your day at school. अपने स्कूल में enjoy करना. और हाँ, जो कुछ तुमने अभी पढ़ा उस पर बिलीव मत करना और यू एन अप्रैल फूल, नहीं तो तुम अप्रैल फूल कहलाओगे. That means the mother just made him a April fool. She hadn't changed any rule. She was strict to her child. Hope you understood this.